नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। और इस वक्त किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए एक बार फिर से मैं खेतों में पहुँचा हूँ और यहाँ पे आपको बताऊँगा कि क्या मुख्य माजरा है। माजरा ये है, मामला ये है कि यहाँ पे जिस खेत में मैं खड़ा हूँ ये दड़बी और रसूलपुर के खेत हैं। यहाँ पे कुछ है किसान आप देख रहे हैं कि खड़े हुए हैं। यहाँ पे समस्या क्या है किसानों को, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, अवगत करवाना चाहूँगा। इस साइड में आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि जेसीबी खड़ी हुई है। और इससे आगे की अगर मैं बात करूँ तो आगे अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली और ये जो तमाम साधन है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप ट्रक भी देख सकते हैं, पाइपों से लदा हुआ ट्रक यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो मामला ये है कि यहाँ से एक पाइपलाइन जा रही है और वो पाइपलाइन जा रही है तो किसानों को इससे क्या नुकसान है। मेन मुद्दा यही है कि पाइपलाइन जा रही है, चलिए ज़मीन के नीचे से पाइपलाइन निकलेगी, किसानों को मुआवजा मिलेगा, ये बात तो हो चुकी, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद किसानों को समस्या ये है कि 100 फीट की जगह जो है वो कवर कर रहे हैं। 100 फीट में अगर बात करूँ तो 3 कनाल और 12-13 मरले के लगभग किसानों ने बताया कि हो जाते हैं, यानी कि 3.5 कनाल हो जाती है, आधा किला से थोड़ा सा कम। तो उसमें मुआवजा कितना दिया जा रहा है, केवल 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है। आधा किला जगह कवर करने का मुआवजा अगर 2 लाख या 2.5 लाख रुपए दिया जाए तो किसान का मन जो है वो विचलित होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे तमाम किसान खड़े हैं, इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए के हरियाणा को चुना, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और चलिए अब इनसे जानते हैं कि आखिर मुख्य समस्या क्या आ रही है। भाई साहब, कितनी जगह यहाँ से कवर करेंगे, क्या आपको नोटिस दिया गया था, किस तरह की समस्या आपको आने वाली है? भाई साहब, पहले तो इन्होंने हमें नोटिस भेजा कि आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है खेत में तो हमें बताया जाए और अपना रेट भी बताया जाए। तो इन्होंने हमें नोटिस तो ले लिया, हमारी जो प्रॉब्लम है वो तो ले ली, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे। तो एक तो पहली बात तो इन्होंने हमारे साथ दूसरी बार रिप्लाई नहीं किया, हमारे जो नोटिस भेजे थे और उनका कोई रिप्लाई नहीं किया। और दूसरा, इन्होंने मतलब 100 फीट जगह ले रहे हैं हमसे 1 एकड़ में, उसमें क्या है कि हमें सिर्फ 2 या 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उससे हमारे अधिकारों का भी उसमें हनन हो रहा है, हमारे जो है ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी ख़त्म होगी आगे चल के, और मुआवजा सिर्फ 1 या 2 फसलों का हमें दिया जा रहा है। हमसे हमारी ज़मीन का जो मुआवजा बनना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा, और हमें मतलब बाधित किया जा रहा है कि आप चेक लो, हम पर दबाव डाला जा रहा है, इस तरह की हमारी बातें आ रही हैं। तो हमें इस तरह से मतलब इस पाइपलाइन से काफ़ी ज़्यादा हमारी ज़मीन की जो इसका लैंड का जो वैल्यू वो डिक्रीज़ होगी, इस ज़मीन को ख़रीदेगा नहीं कोई, कोई इंडस्ट्री का जो है आगे प्रोसीजर है वो नहीं भी हो पाएगा, तो सभी किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इससे। चलिए, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या इनकी टर्म एंड कंडीशन इन्होंने क्या कुछ लगाई है कि आपको हम पैसे देंगे तो इसके बदले में आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, इस तरह की कुछ टर्म कंडीशन? कंडीशन तो इसमें बहुत हैं जी। सबसे पहले जो किसान है उसका जो ज़मीन का जो मेन है वो पानी है जी, तो पानी के लिए इन्होंने सबसे पहले ये हमारे लिए बंदिश रखी है कि यहाँ पर हम ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, और दूसरा यहाँ पर कोई हम मकान कोई कुछ भी नहीं लगा कर सकते, ट्यूबवेल के साथ मकान की ज़रूरत होती है, इन्होंने उसके लिए बंदिश कर दी। दूसरे नंबर कोई बाग हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, जैसे दड़बी में हमारे गाँव में अमरूद बहुत मशहूर है, तो बाग का इन्होंने बिल्कुल कर दिया, बाग तो यहाँ पर लगा ही नहीं सकते। कोई छायादार पौधा जो किसान खेत में काम कर रहा है उसकी, उसे छाया की ज़रूरत होती है दोपहर में, कोई छाया का छायादार पौधा नहीं हम लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। 4 कनाल ज़मीन ऐसे लगा लो आपने कि इन्होंने हमसे एक तरह से ख़रीद ली, पर हमें 2 लाख रुपए में इन्होंने निपटा दिया। अच्छा, ये बात है। हाँ जी, यानी कि आपसे उस ज़मीन का मालिकाना हक तो आपके पास है लेकिन वो मालिकाना हक यूज़ नहीं कर सकते। हाँ जी, ये बात है, इसलिए हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन हमारी आवाज़ कहीं भी कोई भी नहीं सुन रहा। बार बार हमारे गांव में इनके ऑफिसर आते हैं और वो लोगों को धक्का करते हैं कि हमारे से चेक लो, जो पैसे वाले चेक हैं उसके लिए बंद करते हैं कि हमारे से चेक लो ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें, लेकिन हमने इसके लिए साफ मना कर दिया है। और हमारी ज़मीन जो है बहुत बहुमूल्य है, बहुत उपजाऊ है, हम इसको 2 लाख रुपये में नहीं देंगे। ठीक है, कितनी डिमांड करते हैं आप, कितने रुपये अगर मिले तो आपका वाजिब? डिमांड तो ऐसे है जी, जिस तरीके से हमारी यहाँ पे उपजाऊ ज़मीनें हैं, हमने अपनी ज़मीन का मिनिमम जो रेट है वो 2 करोड़ रुपए रखा है,
इससे कम हम नहीं देंगे। अगर हमारे हमने उनको ये भी कहा है भी अपने यहाँ से रूट चेंज कर सकते हो तो कर लो, लेकिन हम इससे कम में यहाँ पे हम नहीं मानेंगे और हम इससे कम में जमीन नहीं देंगे प्रति एकड़। हाँ जी, इसका कोई छोटा सा कोई एक मेथड है, उससे 2 करोड़ के हिसाब से पैसे जो हमें मिलेंगे। अच्छा। पूरे नहीं मिलेंगे, उसका वो मिलेंगे, लेकिन हमने अपनी मांग रखी है कि 2 करोड़ से कम में हम जमीन नहीं देंगे। शुक्रिया। कुछ और किसान है भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या? समस्या तो यही है, ये हमारा किला बिल्कुल रोड के ऊपर है, तो हम पैल्स भी बना सकते हैं और भी अपना कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अब ये तो हमारा दागी हो गया, अब हम क्या करेंगे? इतने 2 लाख में हमारा ले रहे हैं तो 40-50 लाख तो वैसे ही रेट है हमारा, नॉर्मली बेचे तो। दिक्कत ये आ रही है, बस यही धक्का कर रहे हैं। ये जो उखड़ा पटड़ी होएगी ऐसे, पीछे 4 साल फसल भी नहीं होगी, हम कैसे इसको सुधारेंगे? कौन सी कंपनी है ये पाइपलाइन, कौन सी कंपनी? जी आई जी एल कंपनी है। तो सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ये तमाम किसान जो है इनको काफी नुकसान हो रहा है। अब किसानों का कहना है कि पीछे राजस्थान से होकर के ये पाइपलाइन आ रही है, राजस्थान में इन्होंने 2-2.5 लाख रुपए दे दिए, तो उतनी उनकी उपजाऊ जो ज़मीन है, क्योंकि पानी की कमी है तो बिना पानी के इतनी ज़्यादा फसल नहीं होती। अगर यहाँ पे बात करें तो गेहूँ जो है वो भरमार होती है, धान जो है वो भरमार होता है, कपास की फसल अच्छी होती है, तो बागवानी के लिए सबसे मशहूर ये इलाका है। दड़बी गांव के अमरूद आपने सुने होंगे कि दड़बी गांव के अमरूद बहुत मशहूर हैं, तो वो बागवानी यहाँ इस इलाके में नहीं कर सकते जहाँ से ये पाइपलाइन निकलेगी। ज़मींदार अपना अगर कोई कमरा बनाना चाहता है तो वो कमरा नहीं बना पाएगा, वो भी केवल 2 लाख रुपये में, यानी कि 2 लाख रुपये दे करके वो 100 फीट जगह वो कंपनी ने अपने अधीन कर ली कि कंपनी की मर्जी चलेगी, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। मालिकाना हक जरूर जमींदार का रहेगा, जमींदार उस पर खेती कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर पेड़ लगाना चाहे, बागवानी करना चाहे, पैलेस बनाना चाहे, कमरा बनाना चाहे या कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहे उस ज़मीन में, तो वो नहीं कर सकता, ना तो वहाँ से मिट्टी उठा सकता है ना मिट्टी वहाँ पर डाल सकता है। तो ऐसे में ज़मींदारों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत जो है वो यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। अब अगर ज़मीन की बात करूँ तो जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपए का आंकलन करके उसके बाद एक आंकलन होता है जिससे कि इनको 25-30-50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेंगे, तो उस हिसाब से ज़मींदारों को अगर पैसा मिलता है तो ज़मींदारों की ज़मीन जो है उसकी भरपाई होती है। अदरवाइज़ 2 लाख रुपए में अगर सरकार ये कंपनी चाहती है कि 2 लाख रुपये दे करके यहाँ से पाइपलाइन निकाल ली जाए, तो ज़मींदारों को कोड़ी के भाव जो ज़मीन है वो बेचने को ज़मींदारों को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि मजबूर धक्के से इनसे ज़बरदस्ती खरीदी जा रही है। इनके गांव में आकर के ज़मींदारों का कहना है कि प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये चेक लीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए, तो ऐसे कैसे लेने दीजिए, यानी कि धक्काशाही। एक चर्चा सुनने को मिली थी कि चर्चा क्या, एक अध्यादेश आया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ठीक उसी का पहला परिणाम इस तरह का आ रहा है। आने वाले समय में मानना ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनके साथ भी इसी तरह के कुछ हालात होने वाले हैं। 25-30 लाख रुपए की ज़मीन जो है वो 2.5 लाख रुपए में खरीदी जा रही है, तो कहाँ से हम कह सकते हैं कि सरकार जो है इसमें जनता का भला कर रही है, कंपनी जनता का भला कर रही है। खैर, और क्या कुछ अपडेट रहती है वो भी मैं आपको पल पल की देता रहूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर आप किसानों के साथ हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके इलाके से भी पाइपलाइन निकली है तो आपको कितना मुआवजा मिला है, कितना मिलना चाहिए था वो भी ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।